बीसी का डायरेक्ट हम कहना चाहेंगे, प्रभारी कुलपति महोदय जो हैं उसको कुछ दिन के लिए यहाँ बीसी के रूप में नहीं, वो उगाही करने के लिए आए हैं, ताकि छात्रों का पैसा जो है यूनिवर्सिटी को लूट सके और छात्र का पढ़ाई कहीं भाड़ में जाओ। सबको जोहार। आज जो है आज छात्र समन्वय समिति के हम लोग जो बैठक किए, बैठक में ये निर्णय लिए कि आज जिस प्रकार से विगत कुछ दिन पहले ही हमारे छात्र समन्वय समिति के द्वारा प्रभारी कुलपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया था, उसको कहा गया था कि जो घंटी जो कॉन्ट्रेक्चुअल में जो प्रोफेसर का जो बहाली का वैकेंसी जो लेके आए हैं वो बिल्कुल अमान्य है। अमान्य इसलिए हम कहेंगे कि उसमें कोई नियमितता नहीं है, ना रोस्टर का पालन किया गया है, और इसमें देखा गया कि जिस प्रकार से वो डाटा आंकड़ा दिखाया है यहाँ के एसटी ओबीसी और बैकवर्ड का, तो इसमें लग रहा है कि इसमें बीसी घपला करने का सबसे प्राथमिकता उसका हाथ है। और इसलिए हम दावा के साथ कह सकते हैं कि उसमें इससे पूर्व जितना हमारे टीचर हैं, प्रोफेसर लोग हैं, तो उसका कोई डाटा अभी तक नहीं है। लेकिन कैसे आपको पता चला कि इसमें 0 होगा? कैसे पता चलेगा इसमें 2 होगा? कैसे पता चलेगा कि 45 से होगा इसमें? कैसे पता चलेगा इसमें 43 है? हम उदाहरण के तर्ज पे कहना चाहेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में एसटी का 0-0 किया है, क्या पूरा यूनिवर्सिटी में सबका भरा हुआ है? एक सवाल है। और दूसरी बात यह है कि BC1 का भी खाली है, BC2 का भी कहीं कहीं 0-0 है, तो उसको ऐसा कहाँ से डेटा मिला? जबकि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है कि आपका इस कैटेगरी से इतना प्रोफेसर है। जब हम लोग मांगते हैं तो उसके यहाँ कोई डेटा नहीं है। इसका एक बीसी का डायरेक्ट हम कहना चाहेंगे, प्रभारी कुलपति महोदय जो हैं उसको कुछ दिन के लिए यहाँ बीसी के रूप में नहीं, वो उगाही करने के लिए आए हैं, ताकि छात्रों का पैसा जो है यूनिवर्सिटी को लूट सके और छात्र का पढ़ाई कहीं भाड़ में जाओ। इसलिए कहना चाहेंगे, जब छात्र हित के लिए, छात्र कल्याण की बात होती है, तब बीसी महोदय कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है, मेरे यहाँ ऐसा कोई पावर नहीं है फिनेंस का। और जब भी बीसी को गाड़ी खरीदने की बारी हो, जब भी बीसी को खर्च करने की बारी हो, तो 10 करोड़ 15 करोड़ तक का खर्च के लिए यहाँ उसके यहाँ आदेश मिल जाता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और यहाँ देखा गया कुछ दिन पहले से, यहाँ देखा जा रहा है कि जैसे कि हमारे कुलपति महोदय जो हैं, जबकि कोई यहाँ कुछ दिन पहले देखा गया PhD में, जबकि जहाँ जहाँ कुलपति महोदय बिहार से पटना से आए हैं, तो एक्सपर्ट्स को बुलाना है तो सब पटना से बुला लिए हैं। उसका एलिजिबल है कि नहीं है वो पता नहीं, लेकिन सभी पर वहाँ बुलाया नहीं गया है। और दूसरी चीज़, और उसमें तीसरा चीज़ ये है कि यहाँ जो वैकेंसी है 273 में से 145 जो है बाहरी को देने वाला है, यानी इस पर हम कह सकते हैं वो सीट वो पहले सेटिंग केटिंग करके पैसा का लेन देन हो चुका होगा हमको जहाँ तक लगता है। और 128 सीट ही बचा है जो कि यहाँ के ST OBC जनरल यानी झारखंड के मूल वासियों को दे रहा है। क्या कॉन्टेक्चुअल में ऐसा है कि रोजगार के लिए कहीं बाहर से लेके आए? क्या हमारे यहाँ एलिजिबल छात्र नहीं हैं? क्या नेट JRF झारखंड में नहीं है? क्या यहाँ आपके विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर नहीं है, शोध छात्र नहीं, शोधार्थी छात्र नहीं आपके यहाँ भरा पड़ा है? आप कॉन्टेक्चुअल में जब बहाली करने जा रहे हैं, सबसे प्राथमिकता तो उन लोगों को मानदेय कुछ दे के पढ़ाइए। आपके यहाँ 145 लगभग हमारे शोधार्थी छात्र साथी लोग हैं, आप उन लोगों से क्लास क्लास लेने के लिए कहिए और उन लोग को मानदेय दीजिए, आपके घंटे टीचर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें दिखा गया है उसको पैसा का उगाही करना है, पैसा उगाही करके यहाँ लूट खसोट करके भागना है, यूनिवर्सिटी को इतना निचला स्तर तक पैदान तक ले जाने का और प्रयास किया है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग छात्र समन्वय समिति आज निर्णय लिए हैं कि सिद्धेश्वर मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं, सभी महाविद्यालय में हम लोग तालाबंदी का आह्वान 12 तारीख को करने जा रहे हैं, और यूनिवर्सिटी में भी करेंगे, और निश्चितकालीन बंदी करेंगे। जब तक ये विज्ञापन रद्द नहीं होगा, जब तक यूनिवर्सिटी के छात्र हित के लिए कोई बात नहीं किया, ये हम लोग उसमें BC महोदय नहीं पहल नहीं करेंगे, तब तक अनिश्चितकालीन के लिए बंदी रखें।